गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइज़ फ़िलहाल मैं हूँ जंगल सफारी, जो कि ये रहा कुछ एंट्रेंस जंगल सफारी का। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हो तो थोड़े ही 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जंगल सफारी, तो इसकी विजिट ज़रूर से करना। चलो चलते अभी अंदर, और सामने है टिकट काउंटर जहाँ से टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद जाएंगे हम जंगल सफारी के अंदर। टिकट काउंटर जहाँ से टिकट लेनी है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की टिकट काउंटर चालू रहता है। 200 रुपया टिकट है जो, और बच्चों की 125 रुपये टिकट है। सामने यहाँ से आए हम गेट, यहाँ है टिकट काउंटर इस साइड, ये वाली साइड से जाना है अभी जंगल सफारी के लिए। सो गाइस टिकट ले ली है अभी, अभी चलते हैं अंदर। यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो छोटे से ऑटो आती है उसमें बैठकर जाना है पूरी जंगल सफारी, अलग अलग डिपार्टमेंट पे वो ले जाएंगे हमें। चलो चलते हैं अभी आगे। और यहाँ पे है लायन, जो कि ये रहा, यहाँ पे सो रहा था कब से, देखो यहाँ पे लायन। यहाँ पे भी दो तीन है, देखो दो बच्चे हैं और एक माँ रास लायन, और वहाँ पे भी एक है और दो बच्चे हैं। यहाँ पे खुला है, देखो यहाँ पे कुछ काच पच लगाए अपने ही। और ये देखो यहाँ पे फुहारे भी शुरू हो चुके हैं अभी अभी। एक सामने प्योर लायन है, वहाँ पे बैठा है, और ये रहा ब्लैक ब्लैक टेंडुआ जिसको दीपड़ा बोलते हैं, ये रहा ब्लैक। देखो गाइज इसके अंदर दो लेपर्ड है, जो कि एक वहाँ बैठा है और दूसरा ये रहा ब्लैक, ब्लैक वाला यहाँ पे। सो गाइज ये दोनों साइड तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके अंदर सभी चीज़ें बना रहे हैं। सामने है लेपर्ड, यहाँ पे एक लकड़े का बनाया गया है लेपर्ड, देखो वो रहा स्ट्रक्चर करके। जंगल सफारी के अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है। सामने है टाइगर, तो हम जाएंगे टाइगर देखने के लिए, देखते हैं, बंगाल टाइगर है इसके अंदर। चलो अंदर जाते हैं। वहाँ सामने जाली के अंदर टाइगर है, और देखो सामने जाली है ना वो वाली, इसके अंदर वाइट बंगाल वाला टाइगर है, बंगाल टाइगर कहते हैं। एक और वहाँ पे सो रहा है टाइगर, जो कि यही से शायद नहीं दिखेगा आपको। और यहाँ पे है मेरे पीछे बस स्टॉप, जो कि वहाँ से आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिकल जो ऑटो आती है वो सभी जगह पे घूमने के लिए ले जाएंगी यहाँ से, तो बैठते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाएगी। सो गाइज यहाँ पे है डिपार्टमेंट जो इंडियन एवियरिका, जो कि इसके अंदर अलग अलग पक्षियाँ हैं। चलो चलते हैं अभी इसके अंदर। पैरट, सभी अलग अलग पक्षियाँ हैं इसके अंदर, पूरी जाली है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पक्षी हैं।
तो यहाँ पे बड़ा सा हॉल हॉल टाइप का बनाया गया है और जाली लगी है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे पक्षियाँ रखे गए हैं। ये देखो यहाँ पे है अलग अलग बहुत सारे पक्षी है। ऊपर कुछ इस तरह का है और यहाँ पे पूरा सरोवर टाइप का है, कुछ इसके अंदर पानी है, सभी पक्षी यहाँ से आराम से रह सकते हैं। पूरी इस तरह से व्यवस्था की गई है। पैरेट है शायद, ये बीमार हो ऐसा लगता है गाइस। ये रहा, यहाँ पे है वाइट पीकॉक जो वो रहा अपने पंखों पिलाए पिलाई हुई है वहाँ पे वाइट पीकॉक। मिट्टू तेरा पैरट, ये मेरे को काट लेगा शायद, गुस्सा हो रहा है। बहुत सारी झाड़ियों है यहाँ पे और अलग अलग पक्षी भी इसके अंदर रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे डियर है, देखो ये रहा, यहाँ पे सभी डियर बैठ यहाँ पे सो रहा है बैठ रहे हैं, कुछ वहाँ पे भी है। और ठीक स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने ही यहाँ पे जंगल सफाई, लेकिन पूरा घूम के आना पड़ेगा। ये रहा सामने ठीक स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे है पूरी पहाड़ों के बीच यहाँ पे ये है जंगल सफारी। यहाँ पे है फॉक्स जो कि अंदर बैठ रही है और दूसरी वहाँ पे, ये रही दो फॉक्स है इसके अंदर और आगे जाएंगे आगे के। यहाँ पे है जीराफ वगैरह, कुछ अलग अलग प्राणी जो कि अफ्रीका के जंगल में मिलते हैं, और ये है ऑस्ट्रेलिया के जंगल में। तो वहाँ पे अंदर के तो अंदर क्या दिखाते हैं देखो, कछुआ बड़ा सा, शाहमरुख देखो बड़े बड़े बहुत सारे है सामने की ओर। यहाँ पे और यहाँ पे है जीराफ, ये रहा जो अफ्रीका के जंगल में अंदर ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे अच्छे अच्छे पक्षी आए हैं, देखो ये रहे। देखो
ये देखो यहाँ पे है कैरोलिन डक, स्टेक स्वान, ब्लैक स्वान। ये देखो यहाँ पे बैठे हैं सभी। डक है इसके अंदर बहुत सारी, कुछ डक पानी के अंदर है और कुछ बाहर घूम रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आओ तो या जंगल सफारी का आना मत भूलना, क्योंकि गाइस अभी बारिश शुरू हो चुकी थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ है सरदार सरोवर डैम, जो कि हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। कैटरस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन सभी यहाँ पास में ही है। वहाँ पे अभी टाइम मिला तो जाएंगे, वरना कल चले जाएंगे यहाँ से। फिर है सरदार सरोवर डैम। अभी हम जंगल सफारी करके बाहर आ चुके हैं और यहीं से जाएंगे पिट जोन, जो कि ये जंगल सफारी के ठीक सामने ही है। तो चलो चलते हैं पिट जोन, और उसकी टिकट 50 रुपये पर पर्सन 50 रुपये है। तो चलो अभी चलते हैं पिट जोन। तो बारिश की वजह से यार परेशान हो चुके हैं। देखो बस यहाँ पे बारिश कब से शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ पेट जोन के अंदर, और अंदर बहुत सारे रैबिट्स है। देखो पहले इस तरह सा कुछ बनाया गया है, और इसके अंदर बहुत सारे रैबिट्स है अलग अलग। यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक रैबिट्स बहुत सारे हैं गाइस। जैसे ही मिलता है उनकी कोशिश करता है भाग जाते हैं। इनका घर कुछ इस तरह का बनाया है, देखो सभी अंदर घुस घुस गए। ऐसे तो हमारे यहाँ होते हैं रैबिट्स। देखो यहाँ पे है बड़ा सा पैरट रहा, और उस पर भी है एक रेड वाला। वहाँ पर है रेड वाला पैरट, और यहाँ पे येलो वाला। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पक्षियाँ हैं। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर अलग अलग पक्षियाँ रखी गई हैं। यहाँ पर है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षी हैं। देखो ये रहे सभी, और वहाँ पे इसके अंडे भी है। तो गाइस पेड़ जोन से अभी हम बाहर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये, यहाँ अलग अलग पक्षी को देखने को मिला। अगर आप यहाँ जंगल सफारी आते हैं तो ठीक इसके सामने, वहाँ सामने जंगल सफारी, और यहाँ है पेड़ जोन, तो इसकी विजिट ज़रूर से करना। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।